हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की जो क्लास है दैट इज क्लास फोर्थ। इट्स मिक्सिंग ऑफ कलर एंड डेवलपर। हम हाइलाइटिंग करते हैं, हाइलाइटिंग मिसेज को उन्हें कलर्स बहुत पसंद है जो हाइलाइटिंग करते हैं, है ना। तो अगर आप सीख रहे हैं तो आपको मिक्सिंग रेशियो पता होनी चाहिए, इसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। मान ली हर एक कंपनी ने अपना अलग अलग मिक्सिंग रेशियो दिया है कि अगर कि आप डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का जो है हाईलाइट कर रहे हो या ग्लोबल कर रहे हो या किस किस कंपनी का कर रहे हो। दैट इज मैट्रिक्स, लॉरियल, श्वार्ज़कॉफ, स्ट्रीक्स एंड वेला, ठीक है ना। ये हमारे पास पांच कंपनियां, मैंने इनकी मिक्सिंग रेशियो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स के जरिए पहले थ्री की, पहले तीनों की बात करते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स, लॉरियल एंड श्वार्ज़कॉफ, इन तीनों में जो रेशियो होता है, रेशियो कैसे लिखते हैं, रेशियो को हमेशा कलर इज टू सी, सी मीन्स टू से कलर, इज टू डी डेवलपर, ये रेशियो का साइन होता है। कलर इज टू डेवलपर, कितना कलर लेना है और कितना डेवलपर लेना है, ठीक है ना। कितना आप कलर ले रहे हो और उसमें कितना डेवलपर चाहिए। अगर आप मैट्रिक्स की हाइलाइटिंग कर रहे हो या मैट्रिक्स का कोई कलर कर रहे हो, तो अगर आपने 1 ग्राम यानी इसकी रेशियो मैं बता देती हूँ, 1:1.5 की रेशियो होती है। अगर आपने 1 ग्राम कलर लिया है तो आपको 1.5 डेवलपर लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपका उस क्लाइंट आया, उन्होंने कोई भी कलर कराना है, तो आपने 10 ग्राम्स जो है वो कलर ले लिया। 10 ग्राम्स क्या लिया है, कलर लिया है जो उन्होंने कलर कराना है, तो उसमें आप डेवलपर कितना डालोगे। 1.5 यानी कि 10 प्लस 5 10 और 10 का हाफ, 10 तो हमने कलर लिया, 10 का हाफ यानी 15 ग्राम आप इसमें डेवलपर डालोगे। 10 ग्राम कलर में आपने 15 ग्राम डेवलपर उसमें डालना है और उसको प्रॉपरली मिक्स करना है और तभी उसकी हाइलाइटिंग करनी है। ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे। सेम लॉरियल और श्वार्ज़कॉफ की कंपनी ने भी रेशियो दी है, सेम रेशियो। लॉरियल की कंपनी के अकॉर्डिंग भी 1 ग्राम यानी जितना आपने कलर लिया है उसका 1.5 आपने डेवलपर डालना है। नेक्स्ट, अगर आपने श्वार्ज़कॉफ के अकॉर्डिंग भी अगर आपने 1 ग्राम कलर लिया है तो डेवलपर 1.5 का होगा। तीनों कंपनीज ने अपनी सेम रेशियो दी है, सेम रेशियो में काम करेगा। याद रखना इजी है, मैट्रिक्स, लॉरियल और श्वार्ज़कॉफ, तीनों ने सेम रेशियो दी है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रीक्स और वेला आता है। अब देखिए स्ट्रीक्स की बात करते हैं। स्ट्रीक्स की जो रेशियो है, स्ट्रीक्स कंपनी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि अगर आप 1 ग्राम कलर डाल रहे हो तो डेवलपर भी 1 ग्राम ही डालिए। मीन्स टू से कि ये तो हमारी तीनों मैट्रिक्स, लॉरियल और श्वार्ज़कॉफ के लिए थी ऊपर की रेशियो। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप 10 ग्राम कलर ले रहे हो तो हमारी कंपनी का 10 ग्राम ही डेवलपर डालिए। स्ट्रिक्स के लिए 1:1 की रेशियो। अब वेला कंपनी ने क्या कहा है, वेला कंपनी के अकॉर्डिंग भी उन्होंने यही कहा है। उन्होंने 2 रेशियो दी हैं, 1:1 की भी दी है, 1:2 की भी दी है। अब इन रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है, 1:1 रेशियो कहाँ पे यूज करनी है और 1:2 रेशो कहाँ पे यूज करनी है। देखिए 1:1 की रेशो जो उनकी ब्लू और ब्राउन की पैकिंग में ट्यूब्स आती हैं, ब्लू और ब्राउन की पैकिंग्स में जो वेला की ट्यूब्स आती हैं, ब्लू और ब्राउन की अलग अलग ट्यूब्स आती हैं उनकी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ब्लू और ब्राउन पैकिंग की ट्यूब्स का यूज कर रहे हो तो आप 1:1 की रेशो का यूज करें। नेक्स्ट, जो ट्यूब्स आपकी सिल्वर और गोल्ड पैकिंग में आती है, सिल्वर और गोल्ड पैकिंग में आती है, उसमें आप रेशो 1:2 का यूज करें। ब्लू और ब्राउन के लिए 1:1 का रेशो
सिल्वर और गोल्ड के लिए 1:2 का रेशो। अब सिल्वर और गोल्ड में क्या खास है? देखिए जो सिल्वर और गोल्ड है ना, ये स्पेशल ब्लोंड कलर्स होते हैं वेला के, स्पेशल ब्लोंड कलर। इस वजह से उन्हें डेवलपर बोला है कि डबल डाले, यानी कि उन्होंने इसके अकॉर्डिंग ये कहा है कि अगर आप 10 ग्राम कलर डाल रहे हो तो 20 ग्राम डेवलपर डालें उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होती है मिक्सिंग रेशो। देखिए मैं आपको बार बार एक चीज रिपीट कर रही हूँ, आप जस्ट ऐसे ही अप्लाई मत कीजिएगा किसी के हेयर्स पे भी, ठीक है ना। मैं आपको आगे इसकी पूरी नॉलेज दूंगी, ये हमारी क्लास 4th है, जस्ट क्लास 4th, 4 क्लासेस में आपको कुछ नहीं आएगा। आगे आने वाली क्लासेस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो मैंने आपको नॉलेज दी है ना, ये बिल्कुल बेस है, और लेकिन इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए ना आपको कलर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं कल की क्लास में, कल से स्टार्ट करूंगी और कल की क्लास से लूंगी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास दी थी ना जो कलर थ्योरी की, ठीक है ना, वैसे ही एक और क्लास होगी, उसमें आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी वॉल्यूम कौन से बालों पे किस तरह से यूज करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपके सारे क्वेश्चन जो है वो मैं क्लियर करूंगी। तो आई होप सो कि आपको ये कलर की रेशो समझ में आई होगी किस तरह से मिक्स करने है। ये जस्ट एक रेशो है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मिक्स करके लगाओ, क्योंकि मैंने डेवलपर्स बताए हैं, ब्लॉन्डर्स बताए हैं, मिक्सिंग बताई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ और इतना ही अपने प्यार से मेरे मुझे देखते रहें। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।